हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ। ये जो MCQ है फ्रेंड्स, प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। सर्वात्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? ठीक है, आपको बताना है सर्वात्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है वो किसके लिए क्या है अंगीकरण किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा किसके लिए किया जाता है, तो बार कूट के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड्स? थियोडोर मेमन ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या होता है फ्रेंड्स, तो यह उच्च क्षमता वाला प्रकाशीय बिंब होता है। ठीक है, लेजर क्या होता है, तो उच्च क्षमता वाला क्या होता है, प्रकाशीय बिंब होता है, जिसका आविष्कार किसने किया है, थियोडोर मेमन ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। DPI दर्शाता है, DPI क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, तो डॉट पर इंच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कर्सर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप छपाई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड दे रखा है, कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, और बार कोड दे रखा है ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जो कार्ड रीडर दे रखा है ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का प्रयोग एक साथ किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको क्या है, कंट्रोल अल्ट और डेल का जो बटन है वो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस दे रखा है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है, और क्या है, प्रकाशीय पेन भी है। यहाँ पर स्कैनर दे रखा है, ये हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो क्या है हमारा, माइकर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइकर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो OMR सीट बोलते हैं जिसको हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, OMR क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है फ्रेंड्स, तो डिजिटल कैमरा में हमारा
फोटोडायोड प्रयोग होता है, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, फोटोडायोड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है फ्रेंड्स, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या है डॉट पिच से, और दूसरा दे रखा है रिजोल्यूशन से, और तीसरा दे रखा है हमारा क्या है रिफ्रेश रेट से। तो देखिए उपयुक्त तो क्या है, तीनों से ही आपका क्या किया जाता है, मॉनिटर की गुणवत्ता का पहचान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है, तो मूल रंगों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तीन होती है। ठीक है, तीन मूल रंग होते हैं, कौन कौन सा होता है, तो लाल पीला और क्या है नीला होता है। ठीक है, ये क्या है आपका मूल रंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स, तो लेजर प्रिंटर में आपका क्या है, लेजर बिंब का भी प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का होता है, और क्या है आपका आवेशित स्याही ट्रोनर का होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक क्या है यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक है, तो कौन हमारा एक यंत्र सामग्री नहीं है, प्रिंटर तो है, कीबोर्ड माउस ये सभी आपके यंत्र सामग्री हैं, और क्या है आपका प्रचालन तंत्र दे रखा है, ये हमारा क्या है यंत्र सामग्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन है, मॉनिटर और प्रिंटर दे रखा है, तो जी हाँ यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों हमारे क्या है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि दूसरे नंबर में कीबोर्ड और माउस दे रखा है, ये दोनों तो हमारा इनपुट डिवाइस है, सीडी और फ्लॉपी डिस्क दे रखा है, और क्या है आपका स्कैनर व प्रिंटर दे रखा है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मॉनिटर व प्रिंटर क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस टेक्निक कौन सा है फ्रेंड्स, तो राइट क्लिक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं एवं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉनिटर के द्वारा देखते हैं, टीवी के द्वारा देखते हैं, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मॉनिटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन आउटपुट का एक माध्यम है। ठीक है, तो स्कैनर दे रखा है, ये तो हमारा इनपुट है, और माउस दे रखा है, ये भी हमारा इनपुट है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट है, तो यहाँ पर प्रिंटर दे रखा है, ये क्या है हमारा एक आउटपुट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने वाले सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या है टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कीबोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पद्धति क्या है हमारा सर्वाधिक सामान्य है। ठीक है, क्योंकि टाइप करके सभी लोग क्या करते हैं हमारा इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं फ्रेंड्स, तो डाटा देखना या फिर प्रिंट करना ये क्या है आपका संभव बनाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाटा देखना या फिर क्या प्रिंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की
हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, किसमें तैयार की जाती है, तो प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर के द्वारा क्या है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कौन कौन से समूह में है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और क्या है, स्कैनर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर किसको स्कैन करता है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या है, आपका पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को क्या है, स्कैन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कैनर इसको स्कैन करता है, तो पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को क्या है, स्कैन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है, तो जॉयस्टिक बनाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉयस्टिक क्या करता है, ये कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी हमारा क्या होता है, प्रिंटेड आउटपुट होता है। ठीक है, प्रिंट किया हुआ क्या होता है, आउटपुट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट बटन को क्या कहते हैं, आपको बताना है, तो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद का प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। ठीक है, किसी उत्पाद का प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो बार कोड्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। ठीक है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन हमारा आउटपुट युक्ति नहीं है। ठीक है, तो क्या है, आपका कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ड्रम प्रिंट क्या है, प्लॉटर दे रखा है, और क्या है, सीआरटी मॉनिटर दे रखा है, एयर फोन दे रखा है, और क्या है, डिस्प्ले कैमरा, डिजिटल कैमरा दे रखा है। ठीक है, तो देखिए डिजिटल कैमरा हमारा क्या है, आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।